आसंता 50 दिन में राजस्थान में बनिबो बीजेपी सरकार। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का दाबी, आगामी 50 दिन में राजस्थान भ्रष्ट सरकार को ओपाड़ी फोपाड़ी देवे राजस्थानवासी। गेहलोत शासन में बढ़ुवा अपराध और भ्रष्टाचार अतिष्ठ हो पड़े राजस्थान साधारण नागरिक। प्रधानमंत्री मोदी लोकाभिमुखी योजना राजस्थान युवक युवती महिला और साधारण लोकों जीवन में भौतिक परिवर्तन आनी जहाँ देखि बीजेपी सरकार उपरे राजस्थानवासी आस्था प्रकट करुछंती कहिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। राजस्थान गस्तरे जाई बीजेपी कर्मकर्ता भेटिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एही अवसर में प्रेसमिट कर राजस्थान बढ़ी चलिथिबा महिला अपराध दुर्नीति एवं लाल डायरी प्रसंग उठाई कांग्रेस सरकार उपरे बर्षिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। हमने इस योजना के बाद आत्मविश्वास से कहा कि 50 दिन के बाद बीजेपी की सत्ता आएगी और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रही है। दूसरी ओर गहलोत साहब के नेतृत्व में एक भ्रष्ट सरकार को कितना जल्दी सत्ता से हटाया जाए, प्रदेश की जनता उसके लिए मन बनाया है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी झगड़े के कारण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण आज गहलोत साहब खुद एक देश की भ्रष्ट शासन की मुख्यमंत्री बनके, लंबे समय के अनुभव था, राजस्थान के लोगों ने उनको भरोसा करके वोट दिया था। लेकिन अगर आज समाज में सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी ने निराशा किया, किसी ने राजस्थान की नई पीढ़ी को गुमराह किया, तो उसके लिए जिम्मेवार और कहीं नहीं है, प्रदेश की अभी के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।